जीवित पुत्र का व्रत के अवसर पर महिलाओं ने पुत्र की दीर्घायु की कामना के साथ निराजल उपवास रखा। लक्ष्मीकुंड पहुंचकर मां का परंपरागत पूजन अर्चन करते हुए कथा सुनी। ज्योतिया व्रत बुधवार को धूमधाम से मनाया गया। आज माताओं ने अपनी संतान के सुखी और सुरक्षित जीवन के लिए ज्योतिया व्रत रखा। ज्योतिया व्रत को जीवित पुत्र का व्रत के नाम से भी जानते हैं। ये व्रत पुत्र से जुड़ा हुआ है क्योंकि इस व्रत की कथा में गंधर्व राजा जीमूत वाहन नागवंश की एक वृद्ध महिला के बेटे के जीवन की रक्षा पक्षीराज गरुण करते हैं। इस वजह से ज्योतिया व्रत में जीमूत वाहन की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्योतिया व्रत रखने से संतान सुरक्षित रहती है और उसका जीवन सुख एवं समृद्धि से भरा रहता है। ज्योतिया व्रत अश्विन कृष्ण अष्टमी तिथि को रखा जाता है। वहीं सुबह से ही लक्ष्मी कुंड स्थित मां महालक्ष्मी के दरबार में महिलाओं के पहुंचने का क्रम प्रारंभ हो गया। महिलाओं ने मां की सुसज्जित झांकी का दर्शन पूजन किया और कथा पूजन के साथ ही 16 दिवसीय विशेष अनुष्ठान का समापन हुआ। मंदिर में सुबह से दर्शन पूजन हेतु पुरुष एवं महिलाओं ने कतारबद्ध होकर माता लक्ष्मी जी का दर्शन पूजन किया। महिलाओं ने निराजल व्रत रखकर जीवित पुत्र का माता का दर्शन पूजन किया और पुत्र की मंगल कामना की। महिलाओं ने 16 प्रकार के फल ज्योतिया गंडा 8 कहानी को सुना और पूजन पाठ किया। मंदिर परिसर में भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। जीवित पुत्र का व्रत बेहद महत्वपूर्ण और कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। जीवित पुत्र का व्रत में माताएं अपनी संतानों की सलामती व अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए पूरे दिन और पूरी रात निर्जला उपवास रखती हैं। इस दिन माताएं भगवान जीमूत वाहन की विधिवत पूजा अर्चना करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्र का व्रत रखा जाता है। आज तुरैया मेला का माँ लक्ष्मी पूजा का 16वां दिन है, जिसमें आज द्वितीया माता संतान लक्ष्मी माता का हमारी माताएं बहने पूजा करती हैं। नीरा जल रखकर 16 दूध 16 चावल 16 फल 16 कपड़ा इत्यादि से अपना श्रद्धा भाव सामर्थ्य है उसी से द्वितीया माता का पूजा करती हैं। अपने संतान अपने परिवार अपने घर इष्ट लोगों के लिए ये व्रत रह कर करती है माता का, जिससे माता की कृपा उनके ऊपर बनी रहती है। तो आज माँ का तुरैया मेला का ये 16वां दिन है, द्वितीया माता का दर्शन पूजन है और इसी के साथ तुरैया मेला का समापन होगा। और इसी के उपलक्ष्य में 2 दिन लक्ष्मी माता का गुरुवार और शुक्रवार श्रृंगार होगा। 27 तारीख को इसी के उपलक्ष्य में भजन जागरण संध्या का भी आयोजन है, जिसमें हमारे जाने माने कलाकार आएंगे, माता के शिष्य अपनी हाजिरी लगाएंगे और इसी के साथ तुरैया मेला का समापन फिर अगले वर्ष माता का पूजा पाठ शुरू होगा। क्या है आज जीवित पुत्र का है। माताओं माताएं अपने बेटे के लिए लंबा उम्र के लिए दीर्घायु होने के लिए चिरंजीवी होने के लिए आज का दिन व्रत रखती हैं कि मेरे बच्चे लंबा उम्र बच्चे का लंबा उम्र हो और तेजस्वी हो बुद्धिजीवी हो। माता सब निर्जला व्रत करती हैं अपने बच्चे के लिए। द्वापर में एक बूढ़ी माता के सामने एक उनका बेटा मर गया और उसी समय से द्रौपदी ने भ्रम से जाकर पूछी, गौतम ऋषि के पास जाकर प्रार्थना की कि बच्चे दीर्घायु कैसे होंगे, कलयुग में कैसे दीर्घायु होंगे। और उसी समय से ये परंपरा होने लगा चल रहा है। माताएं बहनें अपने पति पुत्र के लिए
लंबा उम्र के लिए व्रत करती हैं। लक्ष्मी जी का पूजन, दुर्गा जी का पूजन, लक्ष्मी कुंड पावन पवित्र स्थान पर माताएं बहुत विधिपूर्वक से पूजन करती हैं कि हमारे पति पुत्र आगे बढ़ें, चिरंजीवी रहें, हमारे रहते हमारे नैया को पार कर। बुढ़ापा का लाठी का सहारा बेटा होता है, होते हैं, इसलिए अपने पति पुत्र के लिए लंबा उम्र के लिए व्रत करती हैं बड़ी श्रद्धा के साथ। यही परंपरा चल रहा है। क्या क्या चढ़ता है? क्या क्या चढ़ता है? फल फूल चढ़ता है, श्रृंगार का सामान चढ़ता है लक्ष्मी जी के लिए, और नाना प्रकार के सब चढ़ते हैं। सब केला है, नारंगी है, ठेकुआ है, धूप दीप नैवेद्य से आरती होता है श्रद्धा पूर्वक से। यही परंपरा है, चल रहा है।